ओके सो यहाँ पर भाई लक्ष्य एंड तुषार दोनों मुंबई के जैसे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर शिवशक्ति आएगा 60 मिनट गुरप्रीत ओन गोल मारेगा क्या कैसे होएगा अभी तो भी 2-1 ही होएगा। ओके 2-1 ही होएगा, हम लोग जीतेंगे आज का। ओके ओके मुंबई हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। जी हाँ, काफी महीनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। अब मैं सेम का सेम चीज रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू मुंबई फुटबॉल इन टू विटनेस आईएसएल मैच बिटवीन मुंबई सिटी एंड बेंगलुरु एफसी। अभी ये मैच स्टेडियम में जाके देखने के मकसद बहुत सारे है, जिसमें से 2 मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पहला तो यहाँ पर सुनील छेत्री सर को हम लोग विटनेस करेंगे लाइव इन फ्रंट ऑफ आईज, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि नेशनल टीम के मैचेस यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत कम होते हैं, अभी तो होते भी नहीं है, इसलिए भी आपको मौका मिलना चाहिए, तो यू शुड गो एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टुडे। एंड एक और चीज, यहाँ पर मेरे साथ होंगे मेरा भाई लक्ष्य एंड उसका कॉलेज का फ्रेंड। तो यहाँ पर लक्ष्य भाई फर्स्ट टाइम विटनेस करने वाला है ये मुंबई फुटबॉल ना, एंड वहां पर जाके फर्स्ट टाइम देखने वाला है, सो बहुत मजा आने वाला है। अभी बज रहे 4:30 एंड हमें होप करना है कि हम लोग 5:30 या 5:45 के अराउंड पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि मैच की मतलब टीम की जो बसेस है वो आती है, तो वो मेरे को सीन कैप्चर करना है। सो दैट्स वाई अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 4:30 के अराउंड हो रहे हैं, यहाँ से अंदर ही जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेट्रो कैचअप करेंगे एंड लेट्स कि कितना टाइम लगता है हमें स्टेडियम पहुंचने में। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग, लेट्स गो। सो यस, अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड जब मैं कपड़ा पहन रहा था तो मैंने सोचा कि यार मैं आर्सेनल का जर्सी है, लिवरपूल का जर्सी है, चेल्सी का जर्सी है, सो मैंने सोचा कौन सा भी तीनों पहन लिया जाए, बट देन फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार, हम लोग आईएसएल का मैच देखने जा रहे हैं, हम लोग मुंबई एंड बेंगलुरु का मैच देख रहे हैं, तो दोनों में से अगर दोनों का जर्सी रहेगा तो आप पहन सकते हो, अदरवाइज मैंने सोचा इंडियन टीम की जर्सी नहीं है मेरे पास, सो इसलिए मैंने नॉर्मल सा ब्लैक टी शर्ट पहना है, नीचे जीन्स वगैरह पहना है एंड दिस इज हाउ शुड बी। सो दैट्स वाई अभी हम लोग यहाँ पर सोसाइटी से निकल रहे हैं, रिक्शा पकड़ेंगे एंड विल बी मीटिंग यू नियर रेलवे स्टेशन। ओके सो अभी हम लोग टिकट लेके हो चुका है, 2 हमने टिकट लिए, अभी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गाड़ी है, तो थोड़ा लेट है, 4:55 से है, सो हम लोग शायद से टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे वो बस का हम लोग रिकॉर्ड करना है वो, सो इसलिए अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रिज पे खड़े, सो लेट्स गो। सो अभी बज रहे 5:50, हम लोग आ चुके हैं अंधेरी स्टेशन, अभी यहाँ से हम लोग जा रहे थे मेट्रो एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने मैंने बोला था कि मेरे साथ लक्ष्य भी आ रहा है, तो लक्ष्य अभी तक ब्लॉग में दिखा नहीं, ये रहा लक्ष्य एंड इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इसे पूछेंगे कि इसको कैसा भी कर, जस्ट एक बार मेट्रो स्टेडियम वहां पे पहुंच जाते हैं अपन एंड तभी हम लोग पूछते हैं, और अभी यहाँ से मेट्रो जाएंगे एंड ट्रेन में आज संडे तो ओके भीड़ था, मैनेजेबल भीड़ था, बट आई होप कि इससे ज्यादा भीड़ स्टेडियम में हो सके, सो दैट वी कैन क्रिएट इनक्रेडिबल एटमोसफियर एंड मजा आएगा। सो अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं एंड या सो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर आजाद नगर, जहाँ पर स्टेडियम है एंड हम लोग गेट 2 पे है एंड मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर लक्ष्य और हमारे क्या उसको तुषार जो लक्ष्य के फ्रेंड है तो वो भी आ चुके हैं, तो अभी उनसे पूछते हैं कि कौन जीतेगा आज का मैच बिटवीन मुंबई एंड बेंगलुरु। यहाँ पर लक्ष्य पूछेंगे आज क्या लगता है कि आपको कौन जीतेगा? मुंबई सिटी, क्योंकि वो लोग जिस फॉर्म में खेल रहे हैं और चांगते स्कोर करेगा, देखते हैं क्या आएगा। बैंगलोर जीतेगी और छेत्री स्कोर करेगा। ओके सो यहाँ पर भाई लक्ष्य एंड तुषार दोनों मुंबई के जैसे ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर एंड भाई कमेंट सेक्शन बताना कि ये लोग कैसे लग रहे हैं जरूर भाई, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक ले लूँ भाई। एंड अंकल कितने का है जर्सी? मेरे को कितने में दोगे? वही रेट है जो उसका रेट है। थोड़ा कम नहीं करोगे? कम कैसे है, आपको कम नहीं हो तो आपको कैसा कम करेंगे? चलो 150 में दे दो। 150 में नहीं आएगा सर, आप वीडियो बना रहे हैं आपको पता है। अरे मैं आपको ब्लॉग में ले रहा हूँ। अरे मत लो सर, गजब बेइज्जती है। हाँ 150 में दे दोगे? नहीं आएगा पक्का? ठीक है जान दो। अच्छा
ओके सो अभी यहाँ पर इलेवन जन ने मुंबई का जर्सी लिया है, मेरे को ऑब्वियसली भाई लक्ष्य का है, सो यस मैंने और लक्ष्य ने मिलकर एक ही जर्सी लिया, ऑब्वियसली भाई हम लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे नहीं, यहाँ पर लक्ष्य ने एक ले लिया तो हम लोग ऑब्वियसली अल्टरनेटिव जर्सी पहनते रहेंगे, बट अभी आज लक्ष्य पहनेगा, सो लेट्स सी अभी यहाँ पर जा रहे हैं और अभी देखते हैं कि कितना फैंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग फैंस से प्रेडिक्शंस पूछेंगे, दोनों सेट ऑफ फैंस से प्रेडिक्शंस पूछेंगे और बहुत आवाज आ रहा है, लेट्स गो, कांट वेट फॉर दिस मैच। ओके सो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं एंड यस सो यहाँ पर तीनों का टिकट हो चुका है, चलो सो यस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंट्रेंस है, सो यहाँ पे थोड़ा फ्लैग्स एंड ऑल ले लेते हैं, चलो ओके सो यहाँ पर भाई मुंबई सिटी के फ्लैग्स हैं, चलो एक मेरे लिए भी ले, एक मेरे लिए भी ले लो भाई लोग, चलो यहाँ पे स्कैन हो रहे थे हमारे तीनों के टिकट्स, ओके सो अभी अपनो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, धीरे धीरे मैं दिखाता हूँ आप लोगों की क्या क्या है एंड यस चलो ओके यहाँ पर वालपुरिया एंड यस यहाँ पर ऑफिस स्कूल पार्टनर ये सब थोड़े स्टॉल्स है, पिज्जा हट ओके एंड यस आकाश मिश्रा बॉयस चलो हेलो चलो ओके वेलकम टू मुंबई फुटबॉल अरेना आई एम प्रेडियस गणपति जी चलो ओके सो लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर खेलने का भी था एंड ट्रॉफीज का फोटो भी खींचने का था बट आई गेस वो अभी नहीं है तो लेट्स सी कि क्या होता है अभी आगे जाके ओके सो यहाँ पर हमारे साथ है मुंबई सिटी के फैंस एंड इनसे पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि आज का मैच आज का स्कोर प्रेडिक्शंस क्या होगा एंड कौन गोल मारेगा तो यस बोले शांते शांते गोल मारेगा ओके विक्रम विक्रम प्रताप शांते हैट्रिक मारेगा विक्रम विक्रम शांते हैट्रिक हैट्रिक मारेगा हैट्रिक मारने वाला है एंड अब द स्कोर प्रेडिक्शन विल बी मोस्ट प्रोबेबली 2-1 एंड मुंबई यस एक बार फिर से 1-2-3 गो मुंबई ओके सो हमारे साथ है अभी बेंगलुरु फैंस एंड लास्ट टाइम जब मुंबई सिटी बेंगलुरु में गए थे तभी बेंगलुरु 4-0 से हार गई थी, अभी इनसे पूछते हैं कि क्या बेंगलुरु आज मुंबई के होम ग्राउंड पे रिवेंज ले पाएगी कि नहीं, सो फर्स्ट वुमेन आपको क्या लगता है कि आज बेंगलुरु जीतेगी या नहीं जीतेगी एंड कौन गोल्स मारेगा? इट विल बी 2-1 एंड बेंगलुरु विल बी विनिंग ओके एंड नाउ आप कोई प्रेडिक्शन देना चाहते हैं? 2-1 होगा, बेंगलुरु जीतेगी, एक गोल तो सुनील छेत्री से आ रहा है डेफिनेटली ठीक है, और दूसरा गोल होपफुली कोई यंगस्टर मारे हम लोग का, शिवाल्डो हो या शिवशक्ति है, शिवशक्ति आएगा 60 मिनट गुरप्रीत आएगा तो मजा आएगा, गुरप्रीत ओन गोल मारेगा क्या कैसे होएगा अभी तो भी 2-1 ही होएगा ओके 2-1 ही होएगा हम लोग जीतेंगे आज का ओके सो यस ऑन काउंट ऑफ 1-2-3 इफ यू वांट टू जस्ट सो 1 संतोष है पीएफसी 1-2-3 पीएफसी ओके थैंक यू ओके सो आज हम लोग मेन स्टैंड में नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है स्टैंड आपको दिख रहा है वो वेस्ट कोस्ट ब्रिज है, वहाँ पर वो बोल सकते हैं कि वो मेन स्टैंड है एंड जब भी मुंबई सिटी के प्लेयर गोल मारते हैं तो वहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है जो ऑरेंज फैन दिख रहा है एंड बाकी के सब तो उधर जाके सेलिब्रेट करते हैं, बट आज हम लोग यहाँ पर है और यहाँ से भी व्यू अच्छा आ रहा है एंड मैं आप लोग को अच्छे अच्छे इमेजेस दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एंड सामने जो स्टैंड दिख रहा है वो VIP स्टैंड है, सो या शिवाजी महाराज जी का पूरा बैनर टाइप है देख सकते हो भाई क्या देख सकते हो भाई लो भाई Thank you.
टीम्स आर रेडी। सो गाइस अभी मैच अबाउट टू स्टार्ट है, सबके प्रेडिक्शंस मैंने वीडियो में कवर कर लिया, अभी मेरी बारी है मेरे प्रेडिक्शंस के लिए। आई एम गोइंग विद मुंबई 2-0 एंड चांटे गोल मारने वाले हैं एंड एक और आई एम गेसिंग फॉर इकर। सो लेट्स गो एंड लेट्स वॉच दिस मैच। The countdown begins. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Chhatri to kick off. Let's go, boys. Let's enjoy the first of action. Apuya, Valpuya. Sorry. Love. फुटबॉल फर्स्ट हाफ कम्स टू एन एंड और अभी हम लोग बाहर आए कुछ खाने के लिए एंड रिफ्रेशमेंट्स के लिए। सो पहला आप अगर आप बात करेंगे इंडियन फुटबॉल की इंटेंसिटी से काफी ओके ओके था एंड लेकिन भाई गोल आता है विक्रम प्रताप। यस, कोई फॉरेनर ने गोल नहीं मारा बट इट्स विक्रम प्रताप ने गोल मारा तो काफी अच्छा गोल था एंड फर्स्ट हाफ ऐसे ऐसे ओके ओके था। मैंने कुछ ज्यादा बोल सकते रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन जो ऊज एंड आस है ना भाई बहुत मजा आया देख के। सो अभी हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो जहां से हमने एंट्री किया था। यस, जहां से हमने एंट्री किया था तो यहाँ पर हम लोग आ चुके लेग सी की कुछ मिलता है एंड आप लोग जो अभी हम लोग लेंगे या तो करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलो हेलो लेट्स गो मुंबई। सो गाइस हमने दो पिज्जा ऑर्डर किए, दोनों वेजेस, एक कौन सा, एक कौन सा, एक पनीर वाला है ओके तो ये कॉर्न एंड चीज है एंड कॉर्न एंड चीज पिज्जा और ये हमारा भाई पनीर। एक मिनट अंदर है मैं भाई। यस, तो ये पनीर है और ये ऑरेंज चीज है। सो यार लेट्स एंजॉय एंड अभी हम लोग ये खा के मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ। चलो ओके, सो हमारा पेट पूजा हो चुका है एंड इट्स रिव्यू टाइम। अभी दोनों पिज्जा के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। जो पनीर वाला पिज्जा था वो काफी सॉफ्ट था एज कम्पेयर टू जो कॉर्न एंड चीज वाला था। कॉर्न एंड चीज वाला थोड़ा कड़क था बट ठीक है कोई नहीं, भूख लग रही थी तो मतलब कुछ भी चल जाएगा आप लोग को। दोनों पिज्जा हम लोगों ने खाए काफी अच्छे थे तो अभी पेट भर चुके हैं, पेट पूजा हो चुकी है। अभी हम लोग जो बाकी लक्ष्य और तुषार है तो वो लोग जूस लेने गए, वो जूस पी के पूरा फुल एनर्जी फिर से आ जाएगी एंड देन विल बी वॉचिंग सेकेंड हाफ। और सेकंड लेट सोच भी हम लोग बोल सकते हैं कि यार छतरी गोल मारेगा तो मजा आ जाएगा, जो मकसद है हमारा तो वो पूरा हो जाएगा। सो यार अगर आपको यहाँ पर मैं दिखा दो कि पूरा क्या है एनवायरमेंट ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई पूरा हाफ टाइम द प्लेयर्स लोग का हाफ टाइम वहाँ चल रहा है, पेप टॉक चल रहा है बट यहाँ पर भाई लोगों का एकदम हाफ टाइम चालू है। सो यार यू कैन सी ओके। सो भाई पेट पूजा हो चुकी है जैसे कि मैंने बोला, अभी हम लोगों ने लेमिनेट पिया, जूस काफी अच्छा था एंड फुल एकदम माइंड रिफ्रेश हो गया। अभी फटाफट से चलते बिकॉज अभी 8:40 हो चुके हैं, सेकंड हाफ चालू हो चुका है एंड थोड़े 5 से 10 मिनट मिस हो चुके हैं बट नो वरीज लेट्स गो। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अंदर, मैं आप लोगों को दिखा दो। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पर ये वॉशरूम साइड है एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे। लेट्स गो, आई गेस स्टार्ट हो चुका है। हाँ यस, सो आई वॉज राइट, चालू हो चुका है तो फटाफट से चलते अपनी सीट पकड़ते हैं एंड लेट्स एंजॉय द सेकंड हाफ। चलो मुंबई यहाँ पर अटैक पे बट बैक टू बेंगलुरु, मुंबई अटैक पे ओके मुंबई। And yeah, but Vikram Pratap has come off. That's it.
के सुबह फुल टाइम हो चुका है यहाँ पर। मुंबई सिटी ने 2-0 से हरा दिया बेंगलुरु एफसी को एंड बाय 2 goals फ्रॉम विक्रम प्रताप सिंह। एंड बहुत खुशी हो रही है, इससे ज्यादा खुशी हो रही है क्यों, क्योंकि अपने इंडिया का बंदे ने भाई अपना पुत्ता विक्रम प्रताप सिंह ने भाई गोल मारे, 2 goals। और अभी यहाँ पर आपको भी दिखाता हूँ कि टीम्स अप्रिशिएट करे फैंस को। एंड यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई सिटी टीम एंड यहाँ पर वेस्ट कोस्ट ब्रिगेड। यस, तो भाई देर फैंस मुंबई सिटी की टीम आ रही है यहाँ पर। लेट्स होप या लेट्स सी कि ये लोग वाइकिंग क्लैप करते कि नहीं, आई डोंट थिंक सो करेंगे, बट यस। पीटर क्रैक की आप देख सकते हैं यहाँ पर और बाकी के पूरे मुंबई टीम एंड कोचिंग स्टाफ एंड सभी लोग है यहाँ पर। गुड 3 points एंड यस यस यस, पीटर क्रैक इज इन मूड। ओके, मूड खत्म हो गया इसका। ओके, सो यहाँ पर भाई मेरे भाई से पूछेंगे लक्ष्य, जिसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि भाई कैसा रहा इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पर मुंबई सिटी वर्सेस बेंगलुरु का मैच देख के। यस वो वाइब तो अच्छा था, लेकिन मैच का इंटेंसिटी थोड़ा कम था और लेकिन विक्रम प्रताप ने 2 goals मारे, अच्छा लगा। अरे ऐसा वो इंटेंसिटी तो हम सबको होता है, इंडियन फुटबॉल का इंटेंसिटी इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बढ़िया, इट वॉज अ गुड मैच एंड अच्छी खुशी हुई अपने इंडियन प्लेयर ने 2 goals मारे, इट्स गुड फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। एंड या गाइस, यहाँ पर आफ्टर मैच सीन्स देख लो भाई, फुल गर्दी। यस, तो अभी यहाँ पर गेट से निकल रहे हैं एंड जस्ट लुक एट द रश, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू कोलकाता डर्बी और केरला ब्लास्टर्स, बट भाई यहाँ पर भी है, भाई यहाँ पर भी गर्दी है, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, अभी बज रहे 11:15 एंड बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा था। और अगर बात करो ये जर्सी, यस पूरे मैच के टाइम पे लक्ष्य ने पहनी थी, उसके बाद मैंने बोला कि चलो यार मैं ट्राई करके देखता हूँ एंड ये कुछ दिख रहा था यहाँ पर, देख सकते हो आप। यस, नीचे जूते थे, जूते मैंने निकाल दिए। बढ़िया जर्सी लुक्स गुड भाई, 200 में और क्या ही चाहिए भाई, मतलब 200 रुपये में आपको ऐसी क्वालिटी की जर्सी मिल रही है, तो आई मीन यू कांट गेट बेटर देन दिस। बाकी मैच के बारे में बात करेंगे, इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस, स्पेशली मेरा भाई फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत मजा आया देख। एंड या सीटिंग जो अरेंजमेंट है, जो सीट्स हमने चूज की थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, इन द सेंस की काफी अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, बट यस नेक्स्ट मैच है गोवा का 28 तारीख को, तो वो वाला मैच भी मैं देखने ट्राई करूंगा जाके एंड वहां पर भी ब्लॉग शूट करूंगा। बट यस, इट वॉज अ गुड ब्लॉग, मेरे को बहुत मजा आया, काफी महीने के बाद ये ऐसा कैमरा हाथ में पकड़ के बहुत अच्छा लगा एंड लोगों के सामने आई वॉज शूटिंग एंड ऑल, इट फेल्ट गुड। बाकी यस, अगर अब तक आप लोग ब्लॉग देखने मतलब देख के आ रहे हो तो यार प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई आपके दोस्तों के साथ एंड या मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आप लोग आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, पीस आउट।